टाइप, पहला टाइप लिखो अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, और दूसरा लिखो बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। पहला है अल्फा थैलेसीमिया एंड दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। बीटा अल्फा थैलेसीमिया में लिखो, अल्फा थैलेसीमिया में लिखो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर जितने हैं वो सभी के साथ सारे के सारे कैसे बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। जिसमें से एक है थैलेसीमिया, ये बॉडी में एक रीजन होता है जिसका नाम होता है मेडिटेरेनियन रीजन, उसमें गड़बड़ी आ जाती है, जिस बीमारी को बोलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया दो टाइप का होता है, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया कैसे होता है, तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, 16P, मैंने क्या बतलाया, 16P में डिलीशन के कारण, याद करो मैंने बतलाया हुआ था P4 पेटाइट, ऐसे एक बार मैंने बनाया हुआ था। तो यहाँ पे एक मैंने बोला होता, एक होता है पी आर और एक होता है क्यू आर, जिसमें मैंने बताया होता है पी फॉर पेटाइट एंड पेटाइट मीन शॉर्ट आर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 16 हुआ जो क्रोमोसोम होगा, ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सही, सही सही जो होता है। अब यदि मान लो कि मैंने बनाया एक क्रोमोसोम, ठीक, 16वां जो क्रोमोसोम है, 16वां क्रोमोसोम का जो पी आर्म है, यानी कि इसका शॉर्ट वाला जो आर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण होता है अल्फा थैलेसीमिया। और बीटा थैलेसीमिया होता है कि 19वां जो क्रोमोसोम होगा, यानी कि ये वाला क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम में म्यूटेशन होगा तो उसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। तो ये था मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब आएंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे, यानी कि क्रोमोसोम के कारण होने वाली बीमारियां। तो हेडिंग दो आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, अब देखो यदि हम बात करें इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक आएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, एक आएगा डाउन सिंड्रोम। यदि हम दूसरे की बात करें, हेलो, यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरा आएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और यदि हम सबसे लास्ट की बात करें, और उसके बाद इन दूसरे की बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, वो आएगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, देखो यहां पे क्या है कि तीन बीमारियां हैं। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है, पहले देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तीन बीमारी, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम है इसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। ठीक, 21 क्रोमोसोम। इस बीमारी को बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। और यदि हम सबसे लास्ट में बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो इसको बोलते हैं मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। देखो होता क्या है, जब हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की, जब हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की, तो इस वाले केस में क्या होता है कि जैसे यहां पे मैंने बताया, यहां पे मैंने बनाया 23 जोड़ी। ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। एक होता है मोनोसोमी, मोनोसोमी यानी कि देखो एक होता है मोनोसोमी, एक होता है बाईसोमी और एक होता है ट्राइसोमी। ठीक है, यदि हम बाईसोमी की बात करें तो नॉर्मली जो हमारे पास होता है वो कैसा होता है, बाईसोमी, या तो एक्स वाई होगा, मेल है तो फीमेल है तो एक्स एक्स होगा। ठीक, मोनोसोमी देखो नाम से स्पष्ट है, बाई मतलब दो, दो है तो बाईसोमी। मोनोसोमी की बात करें, मोनो का मतलब एक, यानी कि या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा, दैट इज मोनोसोमी। यदि हम ट्राइसोमी की बात करें तो एक्स एक्स वाई तीन आ गया, दैट इज ट्राइसोमी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभी वो वाला हम पढ़ रहे हैं, वो वाला उधर हम पढ़ रहे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो कि क्रोमोसोम के कारण होने वाला बीमारी है स्पेशली। तो इसमें क्या बताया है डाउन सिंड्रोम में कि ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, यानी कि 21वां जो क्रोमोसोम होगा, 5 का 20 21, तो ये जो 21वां क्रोमोसोम होगा, ये 21वां क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, दो के जगह पे ये हो जाएगा तीन। ठीक, अब जब ऐसा हो जाएगा तो वो जो बच्चा है उस बच्चे में क्या होगा, उसके माथा की बात करें पूरा राउंडेड माथा हो जाएगा। ठीक है, यदि उसके हाथों की बात करें तो ये हाथ जो है ऐसे हो जाएंगे, ऐसे फैले हुए। ठीक, जो उनका मुंह जो होगा अक्सर ऐसे इतना, यह इतना गैप रहेगा, इतना खुला हुआ रहेगा मुंह, देखिए तो एक तो ये हो गया। उसके बाद उसका टंग जो होता है, वो टंग होता है चौड़ा हल्का सा फैला हुआ। ठीक, टंग के ऊपर में छोटे छोटे दाने होते हैं, उसका हाइट थोड़ा सा कम होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो है डाउन सिंड्रोम। ठीक, उसके बाद दूसरा आए थे टर्नर सिंड्रोम पे, सॉरी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, इसमें सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, इसमें से, इसमें एक्स क्रोमोसोम कौन सा है, सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, एक दो तो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस 15 20, ठीक है,
मौसम कौन सा है? ये कौन सा है? बताएं कि 1 2 3 4 5 10 15 20 21 22 23, तो जो 23वां पेयर होता है वही तो होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो यही होगा ना 23वां पेयर, सेक्स क्रोमोसोम वाला यही वाला होगा ना, ये वाला, समझा? तो ये होता है, ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला है मान लो एक्स वाई है, ठीक है। तो ये होता किस में है, ये क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है। इसमें मैंने क्या बताया, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, पर भैया ठीक लग रहा है, सुनो पर ठीक लग रहा है, सुनो पर ठीक लग रहा है। तो देखो ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, मैंने बदला हुआ था कि क्रोमोसोम दो टाइप का, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम बस ये लास्ट वाला एक पेयर होता है, बाकी सारा का सारा ऑटोसोम होगा ना। तो ये जो उसका सेक्स क्रोमोसोम होगा उसमें एक और स्ट्रैंड ऐड हो जाएगा, यानी कि पहले क्या था, पहले था लड़का, अब हो गया क्या, ये सिकना देना दे। समझे? तो ये जो किन्नर का प्रजाति होता है उसमें ये जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है उसमें होता है वो लड़का, उसमें होता है वो लड़का, लेकिन वो किसके जैसे बिहेव करता है, लड़की के जैसे, ठीक है, दैट इज क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद आया टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मोनोसोमी का मतलब क्या, कम होगा। तो इस वाले कंडीशन में क्या है, नॉर्मल है, अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले क्या था, पहले था XX, पहले होता है इसमें XX, इसमें एक X कम हो गया, बचा ओनली X, दैट इज मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि ये क्या, नहीं, ये कंडीशन से फीमेल वाले होता है। तो वो जो किन्नर होती है वो होती है फीमेल, बट बिहेव करती है मेल के जैसे, कि उसके पास प्रॉपर फीमेल वाला कैरेक्टर नहीं है, उसके पास प्रॉपर दोनों एक्स एक्स नहीं है। तो उसके पास उसके बॉडी में क्या होगा, क्या नहीं, वो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। दो ही सिचुएशन होता ही है, जैसे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, ये जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है तो जिसमें जिसमें होता है वो मेल, ठीक है, बट वो बिहेव करता है फीमेल के जैसे, और उसमें वो होती है फीमेल बट वो बिहेव करती है मेल के जैसे, दैट इज योर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। इसको लिख लो, उसके बाद एक बच्चा पेडिग्री एनालिसिस एंड चैप्टर फिनिश। आपको और भी लिखा है सर, तो चीजों को बताया है, हाँ वो तो सिलेबस में नहीं है, बस कुछ अच्छा याद रखना, उधर तीन लिखवाए हैं ना, हाइपरट्रोफिक हीमोफिलिया फिनाइलकेटोनुरिया, अभी अभी लिखवा रहे हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, बाकी जो उसमें है सिस्टिक फाइब्रोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, इसका सिलेबस नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो ये इस
रिसेसिव होता है या डोमिनेंट होता है, साइक्लिक होता है या फिर ऑटोसोमल होता है, बता सकता है। ठीक है, तो लिखो ये बल्ले। अरे भी रहे लाल डाउन सिंड्रोम। हेडिंग टू डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम लिखो। इट इज